फीमर फ्रैक्चर कितने दिन में ठीक होता है? फीमर फ्रैक्चर बोले तो जांघ की हड्डी अगर टूट गई है तो भाई कितने दिन में ठीक हो जाती है, हम कितने दिन में नॉर्मल हो सकते हैं, अगर ऑपरेशन हुआ है तो हम कितने दिन में नॉर्मल हो सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में यही जानते हैं। सबसे पहले तो कॉमन होता है ये 40 से 50 साल से ऊपर वाले लोगों में कि इसका जो फीमर ऑफ नेक, जो फीमर की नेक होती है ऊपर, ये फ्रैक्चर कॉमन होता है। अगर कोई इस एज में गिरता है 50 से 60 साल से ऊपर के लोग जो है, तो ये कॉमन हो जाता है फ्रैक्चर होना। और इसमें इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर अगर होता है ये भी कॉमन होता है। अगर ये भी फ्रैक्चर होता है तो इस फ्रैक्चर में जो है आपको DHS डायनामिक हिप स्क्रू, इसके सहायता से जो इसको जो है ऑपरेट करके जो है फिक्स किया जाता है, और इसको जो है आप फिक्स करके जो है इसको सेट किया जाता है। तो ये इसमें जो है डायनामिक हिप स्क्रू DHS जो इसमें टेक्निक लगाई जा सकती है। और इसमें अगर शेफ्ट का अगर कोई फीमर ऑफ शेफ्ट, तो फीमर की अगर शेफ्ट का फ्रैक्चर होता है, जांग बीच से टूट गई जांग की हड्डी, तो उसमें क्या होता है, देखिए जांग की हड्डी अगर बीच से टूट जाती है तो उसमें या तो प्लेट या जो है वहां पर स्क्रू और वहां पर जो है रॉड की सहायता से उस फ्रैक्चर को ठीक किया जाता है। अगर ऑपरेट हुआ है तो ये तो कॉमन है कि यहाँ का फ्रैक्चर जो है ज्यादातर इसमें जो है ऑपरेट ही किया जाता है। और इसमें अगर प्लास्टर की एडवाइस अगर डॉक्टर देते हैं तो उसको मैं कह नहीं सकता, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है इसमें जो है ऑपरेट ही करवाते हैं लोग। और यहाँ पर इसकी जो है कितने दिन में ये नॉर्मल हो सकता है, तो जो हिप फ्रैक्चर होता है यानी कि हम बोले तो जांघ की हड्डी का फ्रैक्चर होता है, अगर शेफ्ट टूटा है या इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर है, तो ये सामान्यतः 2 से 3 महीने में नॉर्मल हो जाता है, ये जो है जो एडल्ट एज में। और बच्चों की बात करें, बच्चों में अगर ये सेफ्ट का मतलब फीमर ऑफ सेफ्ट टूटता है, जांघ की हड्डी बीच से टूटती है 5 से 10 साल के बच्चों के बीच में, तो 1 से 2 महीने में ये जो है जुड़ जाती है। हालांकि बच्चे इसमें सही से जो है, बच्चों में जो है कैल्शियम बनने की क्षमता ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए उनमें जल्दी जुड़ जाती है। और हमारा ये भी सवाल रहता है कि हम जो कितने दिन में रनिंग कर पाएंगे, तो हालांकि हड्डी जब पूर्णतः जुड़ जाती है तो आप जो डॉक्टर से एडवाइस कर सकते हैं कि कब हमको जो है रनिंग कर लेना चाहिए, कब क्या। हालांकि हड्डी को जुड़ने में भी समय लगता है। आप कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मेरा फ्रैक्चर तो अभी जुड़ा ही नहीं, मेरे 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो डिपेंड करता है फ्रैक्चर पे। अगर आपका सामान्य फ्रैक्चर हुआ था, हड्डी इधर उधर ज़्यादा नहीं हुई थी और आपकी हड्डी बाहर नहीं आई थी मांस के, यानी ओपन फ्रैक्चर नहीं हुआ था, तो हड्डी जोड़ने के चांस जो है जल्दी रहते हैं। लेकिन ब्लड तो दोनों में ही लॉस होता है, उसमें भी अगर क्लोज फ्रैक्चर हुआ है तो वह भी अंदर जो है उसमें ब्लड निकलता है, लेकिन दिखता नहीं है। और एक होता ओपन फ्रैक्चर, इसमें भी जो है ब्लड आता है लेकिन बाहर सब दिख जाता है। तो इसमें पहले इंजरी को जो ठीक किया जाता है, उसके बाद जो है ऑपरेट करके जो है हड्डी को भी फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन यह रहता है कि हमारे अगर वो अब हमने ऑपरेट करवाया, सब कुछ हो गया, लेकिन ज़्यादातर चांस रहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं मेरा जो है घुटना जाम हो गया तो मुझको क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका ऑपरेट सही हुआ है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका घुटना जाम हो गया है, तो उस दौरान आपको फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें आपको 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ, जो भी आपको आवश्यकता पड़ती है उसमें थेरेपी लेने की, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ सकती है। तो इसमें फिजियोथेरेपी का भी काफ़ी अहम रोल रहता है, क्योंकि जो ऑपरेशन के बाद अगर जो है हाथ पैर जाम होते हैं, हम चला नहीं पाते हैं सही से, तो उस दौरान हमको जो है फिजियो की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अब लोग ये भी कहेंगे कि हमको ये ब्लेड या वायर हमको या रॉड स्क्रू कब निकलवाने चाहिए। तो अगर आपके जो है फीमर का फ्रैक्चर है, तो बच्चों में जो है आपको जो 6 महीने से 1 साल के बीच जो निकाल देते हैं, 8 से 10 साल तक के बच्चे जो 15 साल तक के होते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्चर जुड़ जाता है तब। और यहाँ पर जो कुछ एडल्ट एज में अगर बात करें, यंग एज में, तो उनको जो है आपको 1.5 से 2 साल बाद निकलवा लेनी चाहिए। अब कुछ ये भी होता है कि 50-60 साल से ऊपर के लोग हैं और उनका जो है लाइफ को देखते हुए डॉक्टर एडवाइज भी करते हैं कि निकलवानी चाहिए या नहीं भी चाहिए। कुछ केसेस में निकलवाने की आवश्यकता नहीं भी पड़ती है, लेकिन डॉक्टर आपको एडवाइस आपको देखकर ही दे सकते हैं, इसलिए इसके बारे में हमको अपने चिकित्सक से आवश्यक जानकारी लेनी चाहिए। तो आप अपने डॉक्टर पे बिलीव कीजिएगा जो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं, क्योंकि डॉक्टर हमारी जो है भी एडवाइस देते हैं, वो आपके एक्सरे के थ्रू आपकी रिपोर्ट के अनुसार कि कैसे आपकी कंडीशन, हड्डी जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, और आपकी कितनी जल्दी हड्डी रिकवर हो सकती है क्या नहीं, वो एक्सरे को करा के ही सब पता लगता है।
तो उसके माध्यम से डॉक्टर आपको जानकारी देते रहते हैं। बाकायदा आपके और भी सवाल होंगे कि मेरी जो है और भी फ्रैक्चर है, टीबिया फिब्रा या रिस्ट का या हैंड का, फोरआर्म का, आर्म का, तो ये कितने दिन में रिकवर होता है, क्या खाना चाहिए और हड्डी नहीं जुड़े तो क्या करें, इन सब पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं। और हाँ, आप टेलीग्राम फेसबुक पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक आईडी इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।